गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास 8 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। आज हम बात करते हैं एक्स्ट्रावर्ट की। आपका जो चैप्टर नंबर 4 था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, इसमें आगे करना है आपको कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। देखिए ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपको फिल करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल, LOGICAL। देखिए लॉजिकल क्या है, कंप्यूटर का एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या होते हैं, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने का कार्य करते हैं, यानी कि ऑपरेट का मतलब होता है ये क्या है, कुछ कैलकुलेशंस है। यहाँ पे बात करते हैं कैलकुलेशंस की। कंप्यूटर की तीन तरह की कैलकुलेशन होती है मैथ्स के अंदर, जैसे कि आपकी एक तो होगी अर्थमेटिकल, एक होगी रिलेशनल, एक होगी लॉजिकल। तो ये क्या है आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड क्या है, एक कैलकुलेशन है। क्लियर स्टूडेंट्स। बात करते हैं करेंसी। करेंसी क्या होती है, किसी भी देश की मुद्रा, लेकिन हम करेंसी का प्रयोग करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। जब भी हम किसी डाटा को शो करते हैं या रुपीज को शो करते हैं तो हम करेंसी का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या है, सिस्टम आपका एक होता है यानी कि यंत्र, यानी कि क्या पूरा का पूरा यानी कि मशीन, इसको बोलते हैं जैसे कंप्यूटर सिस्टम, तो वो क्या है एक मशीन है। और मशीन आपको पता है जो हमारे काम को आसान तथा सरल करती है। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन होता है किसी चीज़ को मैनिपुलेट करना, यानी किसी चीज़ को अपने अधिकार में लेकर आना, आप उसको किस प्रकार मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑपरेट, ऑपरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना, जैसे कि कंप्यूटर को ऑपरेट कौन करता है, यूज़र। और यूज़र कौन होते हैं, यूज़र होते हैं जो उसको चलाता है, जैसे कि हम लोग। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं क्या हुआ उसके लिए, यूज़र। जैसे जैसे मैं उसको निर्देश दूंगा, इंस्ट्रक्शंस दूंगा, वैसे वैसे कंप्यूटर काम करेगा, तो होता है ऑपरेट करना। बात करते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होती है, यानी आपने कौन कौन से तरीके आपने अपनाए हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी आपने, टेक्निक्स आपने यूज़ की हैं। पहले कंप्यूटर कैसे थे, बहुत बड़े आकार के होते थे, ये उनके इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा चाहिए होती थी। और आजकल कैसे आ रहे हैं आपके हैंड टॉप, यानी कि आपके हाथ में भी आ रहे हैं, पाम टॉप जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्या है टेक्नोलॉजी है। पहले एक स्थान से जाने के लिए आपको लंबा सफ़र तय करना होता था, आप घोड़े टांगे का यूज़ करते थे। और आजकल क्या है आपके एरोप्लेन से क्या अलग अलग टेक्नोलॉजी आपकी देखने को मिल गई है, जैसे हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे, तो ये भी क्या एक टेक्नोलॉजी है। डाटाबेस, डाटा क्या होता है, जो भी कंप्यूटर में लिखा हुआ होता है उसे भी क्या होता है, डाटा होता है निर्देशों का समूह, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो होता है आपका डाटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्या है, कंपनी है, और ये अमेरिका की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें क्या होते हैं आपके अलग अलग कोर्सेज आपके होते हैं। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग क्या होती है, किसी चीज़ को प्रोसेस करना यानी गणना करना, और ये काम आपके सीपीयू, सीपीयू क्या होता है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो क्या करता है किसी भी काम को प्रोसेस करता है। बात करते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, ये इसको बोल सकते हैं हम लोग मेन बोर्ड। ये क्या है, मेन सर्किट है जो क्या होता है कंप्यूटर के अंदर होता है। सीपीयू का क्या है, एक पार्ट है, जितने भी पार्ट होते हैं सबका होता है सीपीयू के अंदर, इसके मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। और ये कैसे होता है, ग्रीन कलर का बोर्ड होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये वर्क आपको साथ याद भी करने साथ साथ उतारने भी है। और ये ऐसे आएंगे जैसे मैंने स्पेलिंग छोड़ दी LGCL, तो आपको स्पेलिंग जो है कंप्लीट करनी है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।